जय श्री राम, जय प्रभु हनुमान जी की जय। और मैं आपका स्वागत करता हूँ आज फिर से इस संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और हम आज पढ़ेंगे कि जो बाबा गोरखनाथ थे, उनके जो गुरु थे, उनके गुरु का नाम था मत्स्येंद्रनाथ। तो उन्हें गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ था। तो उन मत्स्येंद्रनाथ की उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि ये कहा जाता है कि बाबा गोरखनाथ और मत्स्येंद्रनाथ दोनों ही भगवान शिव के अवतार थे। अब देखिए इसकी कहानी, इस कथा इस प्रकार से कही गई है कि जो बाबा मत्स्येंद्रनाथ थे वे हठ योग में बहुत माहिर थे, और उसी प्रकार से बाबा गोरखनाथ भी हठ योग में माहिर थे। तो चलिए हम बताते हैं आपको जन्म कथा गोरखनाथ जी के गुरु ये मत्स्येंद्रनाथ जी की। अब देखिए मत्स्येंद्रनाथ जी के बारे में कहा जाता है कि इनके माता पिता, जब इनका जन्म हुआ तो इनका जन्म बड़ा ही अशुभ नक्षत्र में हुआ था। तो इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया था और इनको एक डलिया के अंदर इनको रख के समुद्र में बहा दिया था। अब ये चूंकि देखिए भगवान शिव के अंश माने जाते हैं, तो हुआ क्या कि एक मछली ने इनको निगल लिया, पर चूंकि अंश थे इसलिए वो जिंदा रहे मछली के पेट में। एक बार वो मछली समुद्र के तट पे गए पे तैर रही थी, वहीं पे भगवान शिव पार्वती माँ को योग के बारे में बता रहे थे। देखिए जो भगवान शिव हैं उनको इसलिए योगेंद्र भी कहा जाता है क्योंकि वो योग के माहिर क्या कहेंगे कि योग उन्हीं से शुरुआत हुआ है। तो वो पार्वती माँ को योग के बारे में बता रहे थे भगवान शिव। तो ये मत्स्येंद्रनाथ जी जो थे उनके मछली के पेट में उन्होंने पूरी बातें सुन ली भगवान शिव की कि कैसे योग होता है और क्या होता है। और उसके बाद वो मछली चली आई फिर से बीच सागर में। अब बाबा मत्स्येंद्रनाथ ने 12 वर्ष तक उसके अंदर रहे मछली के पेट में, और उन्होंने वही योग जो योग सीखा था भगवान जो सुना था उन्होंने भगवान शिव से, वही इन्होंने योग उसके पेट के अंदर किया। और उसके 12 साल बाद वो इस धरती पर आ गए। तो देखिए तो धरती पर जब आ गए तो अब चूंकि इन्होंने भगवान शिव से योग सीखा था, तो इसीलिए वो बहुत बड़े हठ योगी थे और बहुत बड़े योगी थे, भगवान शिव के अंश थे। तो उम्मीद है आपको कथा अच्छी लगी होगी। जो ये बाबा गोरखनाथ के जो गुरु थे मत्स्येंद्रनाथ जी की, उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया। अगर अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करिएगा। और चलिए विदा लेते हैं। तो जय श्री राम, जय प्रभु राम की जय, हनुमान बाबा कृपा।